राजा, राजा किंग भरत, किसके बच्चे थे वो? विश्वामित्र एंड मेनका। प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। आगे रिक्वेस्ट करूंगा, ये कौन से ऋषि हैं? ऋषि किसकी खोज की थी इन्होंने? एडम। अशोक जी से, अशोक इनके बारे में सबसे बड़ी बात थी कि एक इतना क्रूर राजा एक संत की शरण में आके इतना पीसफुल इंसान हो, ये सबसे बड़ी चीज थी आज के मॉडर्न वर्ल्ड में, अपने आप में एक मिसाल है ये। और हमारे विक्रमादित्य जी ये क्यों फेमस है? इन्हीं ने तो भारतीय नववर्ष विक्रम संवत की शुरुआत की थी, जनक थे उसके। चलिए आगे, रविंद्रनाथ टैगोर और ओनली ये नॉन यूरोपियन थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, जिन्होंने जीबी शाह और स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ जो इनका योगदान था, इन्होंने जो पेन से योगदान दिया था वो हमेशा अमर रहेगा, क्योंकि इन्होंने वो चेंज किया। ठीक है कुछ लोग कुछ भी कह देते हैं, लेकिन इनका भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। ऋषि भारद्वाज जो साहित्य के लिए हम जिनको जाने जाते हैं, ऋषि पनिनी फनेटिक्स लिंग्विस्टिक्स टू मेनी थिंग्स, हमने हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया, यही हमारी रही एक दुर्लभता रही मैं कहूंगा। ऋषि पतंजलि को आप सब जानते होंगे, अष्टांग योग का योग सूत्र देने वाले हमें। ऋषि अगस्त्य, और ऋषि अगस्त्य के बारे में इनसे प्रभु शिव भी सत्संग सुनने जाया करते थे, और साहित्य और में इनका बहुत बड़ा योगदान है, और इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला दिया था। और आगे जो हमारा प्राइड है, गैस कीजिए बहनों, गैस कीजिए कौन है प्राइड, हम किसको कहते हैं? रानी पद्मावती। प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। जिन्होंने अपना जौहर दिखा के अलाउ उस दुष्ट दानव के इरादों को कामयाब नहीं होने दिया। ऋषि अगस्त्य, सिस्टर निवेदिता, कौन कौन जानता है सिस्टर निवेदिता के बारे में? प्लीज एनी गेस, कौन से सिस्टर ने? विवेकानंद जी के शिष्य, और जिन्होंने फॉरनर होकर यहां पे आके एक सोशल रिफॉर्मर भी थे वो। और हमारा एक और प्राइड अब हमारे सामने आ रहा है, गेस कीजिए, पहली वुमेन जो स्वतंत्रता सेनानी थी, रानी की झांसी की रानी। प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर झांसी की रानी। एंड जो आज भारत के बारे में जो लोग सोचते थे कि हमारा देश साफ सफेदों का है, जादू टोनों का है, उस परसेप्शन को बदलने वाले मॉडर्न युवा स्वामी विवेकानंद। और जो अगले मैं जिनको बुलाना चाहूंगा इस महान विभूति को, अरबिंदो घोष, शायद आप इनके बारे में ज्यादा नहीं जानते हो कि इनका स्वतंत्रता हमारी इंडिपेंडेंस में कितना बड़ा योगदान था। जब भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव 60 डेज भूखे रहे थे, उस समय इनके गुरु ने कहा था तू ध्यान साधना में उतर जा, तेरी साधना की शक्ति से
उनका ये इस समर्थ को कर पाएंगे। सॉरी मैं बाहर हो गया, क्योंकि वो सीन जब भी मैं याद करता हूँ राजगुरु सुखदेव का वो बाव कर जाता है। आगे हमारे मॉडर्न जो हमारे बच्चों को कुछ प्रेरणा देनी चाहिए बनने की, जिन्होंने मुगलों को वहीं रोक के रखा, औरंगजेब वहीं मर गया लेकिन उस छवि को टच नहीं कर पाया। कौन है? शिवाजी महाराज। अपने बच्चों को शिवाजी बनने की प्रेरणा दीजिए, फिर कभी हम गुलाम नहीं होंगे। और जिन आज भी बड़े बड़े अर्थशास्त्री आए, लेकिन एक अर्थशास्त्री की लिखी जो फिलोसफी है वो आज भी अडॉप्ट करते हैं। कौन है? चाणक्य। चाणक्य कौटिल्य, जिनकी नीतियों ने भारत को फिर से विश्व गुरु बनाया, लेकिन वो यहाँ बैठे हुए हैं। प्लीज आप खड़े होते, आज इन्होंने मानना था चाणक्य, लेकिन थोड़े लेट हो गए क्योंकि थोड़ा समय की शॉर्टेज के कारण हो नहीं पाया कोऑर्डिनेट, वरना ये चाणक्य आज आपके सामने होते। अगली बार अगर चाणक्य आए तो समझ लेना मिस्टर प्रवीण गुप्ता जी। और एक रानी, एक सन्यासिनी, एक योगन, एक सोशल रिफॉर्मर, एनी गेस? क्या गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज कम ऑन द स्टेज। वीरम भाई को प्रभु कृष्ण ने 70 बार दर्शन दिए थे, 70 बार, और फिर भी उन्होंने कहा कि तुझे मेरा असली स्वरूप देखने के लिए गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। और रविदास जी की शरण में गई और एक सबसे बड़ी सोशल रिफॉर्मर बन के उभरी उस समय की। हम मीरा बाई का सिर्फ एक रूप जानते हैं, मीरा ने जहर पिया, लेकिन मीरा ने समाज को भी सहारा दिया। तो ये कुछ कोशिश थी हमारी, प्लीज थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हमारी कोशिश थी कि हमारे प्रेम सकते हैं उनको भूल ना जाए, हम इन पे भी प्राइड करें। एटम हमारे घर में बड़ा था, लक्ष्य की खोज हमारे